निर्मित सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे वी लर्न इंग्लिश आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 40। दोस्तों इस कोर्स की एक विशेषता है यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है हाँ होशियार रहिए। आपको अंग्रेजी में बोलना भी है इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना <स्याँग> मैं सुनीता दीक्षित आज हम सब घर में ही हैं। घर में रहते हैं तो हम कभी कभी टीवी लगा कर बैठते हैं और कभी कभी स्कूल की बातें करते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है लेकिन मेरे सारे दोस्त बूढ़े हो गए हैं दादाजी मैं खेलूंगा आपके साथ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट आई ऑल्सो लाइक टू प्ले क्रिकेट कल हमारे स्कूल में क्रिकेट मैच हुआ था नवी वालों ने दसवीं वालों को हरा दिया तुम्हारे स्कूल में क्या खेल प्रतियोगिता चल रही है नहीं नहीं वो तो खत्म हो चुकी तो दौड़ प्रतियोगिता में कुछ पुरस्कार मिला क्या हाँ हाँ क्यों नहीं आई कैन रन आई लाइक टू रन आई कैन रन मतलब मुझे दौड़ना आता है पर आई लाइक टू रन मतलब क्या मुझे दौड़ना पसंद है आई लाइक टू रन आई लाइक टू ईट मुझे भूख लग रही है रुक जरा पहले स्कूल के कार्यक्रम के बारे में बातें करेंगे कल बहुत से कार्यक्रम होंगे किस किस में भाग लू मेरी समझ में नहीं आता मेरा तो कहना है सभी में भाग ले तू हाँ पर नाच में नहीं मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता पर मुझे तो अच्छा लगता है नाचना आई लाइक टू डांस तो तुम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है उसकी एक सूची बनाओ उसके बाद हम तय करेंगे कि किस किस में भाग लिया जाए पहले मेरी सूची बनाइए। ठीक है दीनो वॉट डू यू लाइक टू डू आई लाइक टू ड्रॉ मैं लिखती हूँ तूने क्या कहा आई लाइक टू ड्रॉ आगे बोल um, मुझे बाजा बजाना पसंद है आई लाइक माउथ ऑर्गेन नो नो से आई लाइक टू प्ले द माउथ ऑर्गन पर प्ले मतलब तो खेलना होता है न हाँ खेलना तो होता है और प्ले का मतलब बजाना भी होता है अच्छा ऐसा है ठीक है आई लाइक टू प्ले द माउथ ऑर्गन लिख लिया आई लाइक टू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट यस 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 आई लाइक टू प्ले क्रिकेट Hmm, likh liya. Abaage? I like to... He likes to eat. <laughs> <laughs> yes. I like to eat. I like to eat. Likh liya? And, um, I like to read. I like to read. Hmm, likh liya? Yadaya. I like to cook. Good. I like to cook. मैं फिर से पढ़कर सुना रही हूं हाँ आई लाइक टू ड्रॉ आई लाइक टू प्ले द माउथ ऑर्गन आई लाइक टू प्ले क्रिकेट आई लाइक टू ईट आई लाइक टू रीड एंड आई लाइक टू कुक वाह वेरी गुड अब बताओ तुम कौन कौन से कार्यक्रम में भाग लोगे आई लाइक टू ड्रॉ आई लाइक टू कुक तो मैं दो प्रतियोगिता में भाग लूंगा चित्र बनाना और खाना बनाना और फिर मैं माउथ ऑगिन पर एक गाना बजाऊंगा आई लाइक टू प्ले द माउथ ऑर्गेन खाने की प्रतियोगिता होती ना तो तू जरूर जिये ठीक <laughs> है ठीक है आशा अब तेरी सूची बनाएंगे ठीक है बता वॉट डू यू लाइक टू डू आई लाइक टू डांस आई लाइक टू डांस लिख लिया आई लाइक टू कुक आई लाइक टू कुक आई लाइक आई लाइक टू प्ले तबला ओहो मैं तो भूल ही गई थी आई लाइक टू प्ले द तबला आई लाइक टू प्ले द तबला लिख लिया दीदी को लिखना अच्छा लगता है वो अच्छी अच्छी कहानिया लिखती है और कविता भी शी कैन राइट शी लाइक राइट दिन शी लाइक्स टू राइट ओ शी लाइक्स टू राइट यस आई लाइक टू राइट आई लाइक टू राइट आई लाइक टू राइट आई लाइक टू डांस एंड आई लाइक टू कुक तो मैं तीन प्रतियोगिता में भाग लूंगी निबंध लेखन नाचना और खाना पकाना पर दीदी तू ही नाचेगी और तू ही तबला बजाएगी तो कैसे होगा दा दिन दिन ना। <laughs> 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 दीनू ठीक है दीनू तू माउथ ऑर्गन पर कौन सा गाना बजाने वाला है कुछ तय किया है हाँ बजा कर दिखाओ अभी वाह वाह वेरी गुड 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 गुडिंग बहुत अच्छा बजाया थैंक यू अब आशा नाच कर दिखाओ साथ आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे ध्यान से सुनिएगा हमें क्या क्या करना अच्छा लगता है आज हम इसके बारे में बातें करेंगे हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे टीचर जी आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे वॉट डू यू लाइक टू Do I like to sing? Tell me two things you like to do. I like to draw. I like to sing. दोस्तों अब आपकी बारी है स्कूल में या घर में आप जहाँ भी हो मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा बिना किसी शर्म के बिना किसी डर के इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी आज के पार्ट में तुमने आई लाइक ये दो शब्द बहुत बार सुने लाइक मतलब अच्छा लगना आई लाइक टू रीड मतलब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है अब तुम सब मेरे बाद बोलो आई लाइक टू रीड इससे पहले वाले पार्ट में तुमने ये वाक्य सीखा था आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ अब इन दो वाक्यों में जो फर्क है वो देखेंगे ध्यान से सुनो आई कैन रीड आई लाइक टू रीड आई कैन राइट आई लाइक टू राइट हर बच्चा एक एक करके ये बताएगा कि उसे क्या करना अच्छा लगता है और ये तुम्हें अंग्रेजी में बताना है जरा सोच के बताना कि तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है और सच बताना है ठीक है मैं पंद्रह सेकेंड रुकती हूँ अब मैं पूछूंगी वॉट डू यू लाइक टू डू मतलब तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है फिर हर एक को अलग अलग उत्तर देना है घंटी बजते ही टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे एक बच्चा तैयार अंग्रेजी में उत्तर देना है वॉट डू यू लाइक टू डू I like to sing. I like to sleep. ऐसे उत्तर देना है दूसरा कौन बोलेगा अब What do you like to do? हमें क्या करना अच्छा लगता है ये अंग्रेजी में बताना है अब दूसरा बच्चा इस बार दो वाक्य बतानी है ठीक है तुम दो वाक्य बोलो वॉट डू यू लाइक टू डू यही प्रश्न मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ टेल मी वन थिंग यू लाइक टू डू ऐसी कोई बात बतानी है जो तुम्हें करनी अच्छी लगती है अब और कौन बताएगा मुझे नाचना अच्छा लगता है मुझे गाना अच्छा लगता है ऐसी कोई बात तुम भी बता सकते हो लेकिन अंग्रेजी में ठीक है एक बच्चा खड़ा है ना अब प्रश्न ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो टेल मी वन थिंग यू लाइक टू डू अब कोई मुझे दो वाक्य में बताए टेल मी टू थिंग्स यू लाइक टू डू अब दूसरा बच्चा तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है टेल मी टू थिंग्स यू लाइक टू डू आगे के पंद्रह मिनट टीचर जी बाकी बच्चों से वॉट डू यू लाइक टू डू या टेल मी टू थिंग्स यू लाइक टू डू या टेल मी वन थिंग यू लाइक टू डू ऐसे प्रश्न पूछेंगे तुम्हें जो करना अच्छा लगता है तुम सबको वो अंग्रेजी में बताना है ठीक है आज का पाठ यही समाप्त हुआ तो अब फिर मिलेंगे कब अगले पार्ट का समय होगा जब